तो आप सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक पसंद करते हैं। क्या हो अगर आपको हर महीने इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक चेंज करने का मौका मिले? जी हाँ, आप हर महीने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर चेंज कर सकते हैं। रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में एक कंपनी आई स्विज नाम की, जिसके फाउंडर हैं समीर आरिफ। अब ये कंपनी अपने आप में काफ़ी खास है, क्योंकि ये कंपनी सब्सक्रिप्शन बेसिस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाइड करती है। आप इनकी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक कार को मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पर यूज़ कर सकते हैं। चलो इनकी वेबसाइट पर जाकर इनका सब्सक्रिप्शन प्लान देखते हैं। तो इनकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो यहाँ पे अगर आप बाइक सेक्शन पे देखोगे तो यहाँ पर है ओला S1 Pro। अगर आप इसे मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पे लेते हैं तो यहाँ पर आपको मंथली ये टोटल कॉस्ट पड़ेगा 5,499 रुपये। यहाँ पर चार्जिंग का, मेंटेनेंस सर्विसिंग का, इंश्योरेंस का और जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। एक महीने के लिए अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेंट पर लेते हैं या सब्सक्रिप्शन पर लेते हैं तो उसके लिए आपको 5,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाय करने का प्लान करते हैं तो इनिशियली तो आपको 26,899 रुपये का डाउन पेमेंट करना होगा। उसके बाद ये सारे मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देने होंगे। और अगर आप 2 साल की EMI में ओला S1 Pro को परचेस करते हैं तो मंथली आपकी EMI आएगी 7,691 रुपये। तो इन दोनों प्लान में जो मेन डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, मंथली EMI भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, प्लस इतने सारे चार्जेस को पे करने का झंझट भी उठाना पड़ेगा। और एट द एंड आपके पास क्या होगा, एक ही गाड़ी होगी, आप एक ही गाड़ी को सालों साल चलाते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप स्विज्ड का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप ओला S1 Pro यूज़ कर सकते हैं 5,500 रुपये पे करके। आपका ओला S1 Pro से मन भर गया तो नेक्स्ट आप ओला S1 एथर 450X जनरेशन 3 TVS iQube बाउंस इन इन्फिनिटी कोई भी स्कूटर आप यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसा ही सब्सक्रिप्शन प्लान इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी अप्लाई किया है। यहाँ पर टाटा नेक्सॉन EV, ह्यूंडई कोना, MG ZS EV, टिगोर EV और नेक्सॉन EV जैसे ही इलेक्ट्रिक कार्स हैं जिन्हें आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पर ले सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप इनकी इलेक्ट्रिक कार या फिर इलेक्ट्रिक बाइक जो भी आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पर लेते हो तो शुरुआत में आपको एक छोटा सा डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है। 1600 रुपये का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा आपको इनकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए। 1600 यहाँ पर एक काफ़ी छोटा अमाउंट है। वैसे भी जब आप इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सक्रिप्शन बेसिस पर परचेस करते हैं तो आपको वन टाइम डिपॉजिट और मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। ना इंश्योरेंस का झंझट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पर पेट्रोल भराने का भी झंझट नहीं है, मेंटेनेंस और सर्विस की भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा, आप इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को रेंट पर लेते हैं और एक्सीडेंट हो जाए तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, इंश्योरेंस है इनकी हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो आपको एक्सीडेंट के बारे में भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी इंडिया में पेट्रोल वाली व्हीकल्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स दूसरी कंपनीज अनाउंस कर चुकी हैं, लेकिन वो सारे सब्सक्रिप्शन प्लान फेल हो गए। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सक्रिप्शन बेसिस पे प्रोवाइड करा के कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है, जिससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा है और कंपनी को भी फ़ायदा है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो इन्वायरमेंट को भी इससे फ़ायदा है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस EV सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में? आप अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।